करेंगे। मैं आप लोगों के साथ चटाकेदार मसालेदार दही भल्ले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस दही भल्ले को हमने कुछ ट्रिक और टिप्स से बनाया है, तो कैसे बनाया है चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी ऐसी है कि सभी को पसंद आती है और इसको अगर हम चटाकेदार और मसालेदार कर दें तो और भी अच्छी लगने लगेगी और भी टेस्टी आ जाएगी। तो कैसे बनाया है हमने, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने उड़द की दाल ली है जो मैंने 6 से 7 घंटे भिगो के रख दिया था। अगर आप जल्दी बनाना चाहें तो इसको गर्म पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दें तो अच्छे से फूल जाएगी। और ये भीग कर अच्छे से भीग गई है तो इसको मैंने पीस लिया है। और पीसने के बाद हमने यहाँ ऑयल रख दिया है कढ़ाई में। जब तक कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम दाल को अच्छे से फेंट कर तैयार कर लेंगे। तो इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट के अनुसार, और ये हमने थोड़ी सी हींग डाली है और थोड़ा सा काली मिर्च डाला है। अब हम किसी स्पून की सहायता से या हाथ की सहायता से इसको अच्छे से फेंट लेंगे जब तक ये क्रीमी क्रीमी ना हो जाए। दही भल्ले बनाने के लिए दाल को अच्छे से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। जब ये अच्छे से क्रीमी हो जाएगा तो दही भल्ले अच्छे से फूलेंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो ये पहली ट्रिक थी। तो इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, थोड़ी सी इसमें हवा भर जाएगी और थोड़ा सा क्रीमी हो जाएगी, फूल जाएगी, तब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमने स्पून को हटाकर हाथों की सहायता से इसको अच्छे से फेंटा है। तो देखिए बहुत अच्छे से फिट गया है और क्रीमी क्रीमी थोड़ा सा हो गया है। ऑयल भी गर्म हो गया है, अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने हथेलियों पर थोड़ा सा पानी लगा लिया है ताकि दही भल्ले अच्छे बने और आसानी से तेल में सिक जाए। ये दूसरी ट्रिक है, अगर दही भल्ले नहीं बन रहे हैं तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए और दही भल्ले बनाइए, बहुत आसानी से अच्छे से बन जाते हैं। तो ये देखिए आराम से वो ऑयल में भी चला गया है तो ये हथेली में चिपकता भी नहीं है। और अगर हाथ से आप ना बना पा रहे हो तो आइस स्कूप जो होता है उससे भी आप बना सकते हैं या स्पून की सहायता से भी बना सकते हैं। तो उसको भी इसी तरह बनाना है, उसको भी थोड़ा सा पानी में भिगो देना है और उसके बाद पानी से निकाल कर दाल में डालना है। दाल में डालने के बाद आप फ्राई करिए दाल को, भल्ले बनाइए, बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए कितने फूले फूले गोल गोल अच्छे से बन गए हैं। तो इसको आप डालने के बाद तुरंत ना चलाएं, थोड़ा सा नीचे से सिक जाए उसके बाद आप चलाएं। तो ये देखिए नीचे से सिक गया है थोड़ा सा, 2 मिनट के बाद हमने इसको चलाया है। तो नीचे से थोड़ा सिक गया है, अब हम इसको पलट लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसको तेल से अलग कर देंगे। तो ये देखिए फ्राई हो चुके हैं, अब इसको हम तेल से अलग कर लेंगे। और कुछ लोग पानी में भी डाल देते हैं तुरंत ऑयल से निकालने के बाद, तो मैं पानी में नहीं डालूंगी, वो आप देखिए मैं आगे क्या करूंगी। उससे भी बहुत टेस्टी बनते हैं दही भल्ले। इसको मैंने सब निकाल लिया है और मैंने क्या किया है ये देखिए, मैंने दही लिया है जिसमें मैंने हाफ दही और हाफ पानी मिलाया है। इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी।
ताकि दही और पानी अच्छे से मिल जाए। आप पानी की जगह दही और पानी दोनों यूज करिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के लिए सबसे पहले हमने जीरे को रोस्ट किया है। जीरे का पाउडर इसमें डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसको हमने पहले यहाँ तवे पे सेक लिया है, अच्छे से रोस्ट हो गया है। तब हम इसमें हींग डालेंगे। हींग को भी इसी के साथ थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी ऐड की है। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम पीस लेंगे। तो ये सभी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब हम इसको पीस लेंगे, और पीसने के बाद जो मैंने दही और पानी मिलाकर रखा था उसमें हम डाल देंगे। इसको डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैंने डाल दिया है जीरे का पाउडर, और इसमें मैंने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है, और टेस्ट थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा चुटकी भर, और चुटकी भर रेड पाउडर, रेड चिली पाउडर है। तो ये तीखा नहीं है, बस थोड़ा सा कलर लाने के लिए। तो ये मैंने डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम मिला देंगे, और जो मैंने भल्ले तैयार किए थे वो मैं दही में डाल दूंगी। अब मसालेदार जो दही में मैंने भल्ले डाले हैं उसको हम कम से कम आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे, ताकि भल्लों में दही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से पहुंच जाए, और इसमें जो मसाले हैं वो भी अच्छे से इसमें पहुंच जाए। तो आधे घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे और एक बाउल में सर्व करेंगे। तो ध्यान रहे, जब आपको सर्व करना हो तब आप आधे घंटे के पहले ही इसको भिगो के मसाले वाले दही में भिगो के रख दें, और उसके बाद निकालिए। और उसके बाद आप थोड़ा सा थिक दही जो होता है उसको भी फेंट कर रख लें, उसको आप ऊपर से डाल दें। और थोड़ा सा यहाँ मैंने सॉस लिया है, आप इसकी जगह पर इमली का जो इमली की चटनी जो आती है वो डालें, बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ मैंने सॉस का यूज किया है, आप इमली का प्रयोग करिएगा, इमली की चटनी का। और थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला डाल दूंगी, जिससे हमारे दही भल्ले और भी टेस्टी हो जाएंगे। तो ये रेडी हो गई है चटाकेदार मसालेदार दही भल्ले। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।